ये देखिए जी, मेंढक एक मुझे मिला, बड़ी मुश्किल से मैंने पकड़ा ये। लेकिन इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन जितना मैं पकड़ना चाहता था, लेकिन फिलहाल यही है। तो चले, ये ख़तरनाक नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा चटकीले रंग का नहीं है। और अगर आपको ज़्यादा चटकीले रंग का कोई मेंढक नज़र आए, जैसे नीला, सुर्ख और येलो कलर का, तो उसे आप बिल्कुल ना पकड़े क्योंकि वो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, और ये बिल्कुल ख़तरनाक नहीं है, तो इसे हम खा सकते हैं। तो चले, इसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल बताता हूँ, और कैसे खाते हैं इसको वो मैं आपको बताऊँगा, और कैसे इसको इसकी खाल उतारते हैं वो मैं सब बातें आपको बताऊँगा। फिलहाल ये मेरे हाथों से ज़्यादा फिसल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी जो जिल्द है ये बहुत ज़्यादा नरम और मेरे हाथों से निकल रही है, तो मैंने बहुत मुश्किल से ग्रिप बनाई हुई इसके हाथ में, इसके जिस्म पे। और फिलहाल थोड़ा सा गुस्से में नहीं लग रहा क्योंकि ये ज़्यादा छटपटाते हैं, और ये जंगली है और इनमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा मुझे, तो मैं साफ कर सकती। इसकी आंखें देखें कितनी खूबसूरत है, ऐसे ही हाथों से निकल जाते हैं एकदम से। लेकिन कोशिश करनी है आपने, बहुत ज़ोर से भी नहीं पकड़ना क्योंकि ये मर भी सकते हैं। तो चले चलते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको खाते हैं, और इसकी अब मैंने इसे ज़िबा कर लिया है, हम इसकी थोड़ी देर में खाल उतारूंगा और उसके बाद हम इसे पका के खा सकते हैं। इसकी ऐसे ही इसकी खाल उतर जाएगी आराम से, ज़्यादा मुश्किल सी खाल नहीं उतरती। चलें जी, खाल मैंने उतार ली इसकी। ठीक है जी, टांगे हम इसकी खा सकते हैं। ये बिल्कुल प्योर प्रोटीन है, इसे हम पका के खा सकते हैं। इसके लिए मैं आग जला लूँ, ठीक है, उसके बाद इसे मैं पका के खा लूँगा। से ये पक गया शायद, खा के चेक करते हैं। इसका जायका भी किसी गोश्त जैसा ही है, बिल्कुल हूबहू जैसे आपने चिकन खा लिया, इसमें कोई भी स्मेल या किसी भी और किस्म का जायका नहीं है, ये सिर्फ इसमें गोश्त का ही जायका है जैसे आम रूटीन में चिकन का होता है। लेकिन इसमें स्मेल थोड़ी सी धुएं की ज़रूर है, लेकिन बाकी है बिल्कुल